भारतीय वायुसेना के शौर्य को देश ने हमेशा सलाम किया है। देश की रक्षा और सम्मान के लिए इंडियन एयरफोर्स के जाबाज हीरोज हमेशा आगे रहे हैं। पुलवामा अटैक के बाद भला कौन भूल सकता है एयरफोर्स के बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक को। पाकिस्तान की सीमा में घुसकर इंडियन एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों ने जैश ए मोहम्मद के कैंपों को उड़ा दिया था। दुश्मन को उसकी ही सीमा में एयरफोर्स ने सबक सिखाया था। बॉलीवुड ने उस वक्त एयरफोर्स को बढ़ चढ़कर सलाम किया था। अभिनंदन पर अब तक कई फिल्मों का ऐलान हो चुका है। अभिषेक कपूर साउथ के एक्टर विजय देवरकोंडा के साथ अभिनंदन पर फिल्म बनाने जा रहे हैं, तो वहीं कंगना रनौत भी अपने आने वाली फिल्म तेजस के जरिए एयरफोर्स को सैल्यूट करना चाहती हैं। देखा जाए तो बॉलीवुड के फिल्मी हीरोज ने देश के असली हीरो के किरदार को बड़े गर्व के साथ बिग स्क्रीन पर निभाया है। जैकी श्रॉफ बॉर्डर। आपको बता दें कि 1971 का युद्ध जीतने में इंडियन एयरफोर्स का अहम रोल था। फिल्म बॉर्डर में इंडियन एयरफोर्स अधिकारी के रोल में जैकी श्रॉफ दिखे थे। फिल्म में दिखाया गया था कि कैसे इंडियन एयरफोर्स ने भारतीय थल सेना के साथ मिलकर पाकिस्तान को बुरी तरह से धूल चटाई थी और उसे जंग में हराया था। शाहिद कपूर मौसम। फाइटर पायलट की वर्दी शाहिद कपूर ने भी फिल्मी पर्दे पर पहनी। फिल्म मौसम में शाहिद ने लड़ाकू विमान उड़ाया था। फिल्म के लिए उन्होंने विमान उड़ाने की ट्रेनिंग भी ली थी। एयरफोर्स अधिकारी की वर्दी में शाहिद खूब जचे थे। फिल्म में उन्हें फाइटर प्लेन उड़ाते हुए दिखाया गया था। शाहरुख खान वीर ज़ारा। एयरफोर्स ऑफिसर का रोल शाहरुख ने भी फिल्मी पर्दे पर किया। साल 2004 में रिलीज हुई फिल्म वीर ज़ारा, इस फिल्म में किंग खान ने एयरफोर्स ऑफिसर की वर्दी पहनी। फिल्म की कहानी स्क्वाड्रन लीडर वीर प्रताप और पाकिस्तानी लड़की ज़ारा के बीच मोहब्बत की थी। फिल्म एक लव स्टोरी थी, लिहाजा शाहरुख बहुत कम समय के लिए एयरफोर्स की यूनिफॉर्म में दिखे थे। राजेश खन्ना आराधना। राजेश खन्ना ने 1969 में आई फिल्म आराधना में इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर का रोल प्ले किया था। फिल्म में फाइटर प्लेन उड़ाते वक्त वो शहीद हो जाते हैं। राजेश खन्ना फिल्म में डबल रोल में थे और दोनों ही रोल में वो एयरफोर्स अधिकारी बने दिखे। शशि कपूर सिलसिला। फिल्म सिलसिला में शशि कपूर फाइटर प्लेन उड़ाते दिखे थे। फिल्म में फाइटर प्लेन उड़ाते वक्त वो शहीद हो जाते हैं। एयरफोर्स की वर्दी में शशि कपूर भी खूब जचे थे। राज कपूर संगम। फिल्म संगम में राज कपूर फाइटर प्लेन पायलट बने थे। फिल्म में उनका लड़ाकू विमान उड़ाना और फिर विमान का क्रैश होना फिल्म संगम का टर्निंग पॉइंट था। जिमी शेरगिल धरती। फिल्म धरती में जिमी शेरगिल ने उड़ाया था लड़ाकू विमान। फिल्म में वो एयरफोर्स के अधिकारी बने थे। इस फिल्म में उनके अपोजिट सुरवीन चावला थी। आर माधवन रंग दे बसंती। आर माधवन फिल्म रंग दे बसंती में एयरफोर्स अधिकारी बने दिखे। फिल्म में वो मिग लड़ाकू विमान उड़ाते दिखे। विमान उड़ाते वक्त वो देश पर शहीद हो जाते हैं और यहीं से फिल्म में एक नया मोड़ आता है। ब्यूरो रिपोर्ट E24। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें, चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बी टाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कॉन्ट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।